इस खबर के पेश करता है अलरा हेल्थ केयर सेंटर। आज मोहम्मद आजीज रिजवान इसामुद्दीन पूरा लोग आके एक कंप्लेंट दिए वसीम राजीव के खिलाफ में, इन्होंने होली कुरान के लिए खिलाफ में वो व्हाट्सएप फेसबुक में वायरल कर रहा बोल के, इसके लिए अभी कंप्लेंट ले लिया। इसके वजह से हम लीगल ओपिनियन लेके लीगल के हिसाब से क्या होता हमारा लीगल एडवाइजर, तो ओपिनियन लेने के बाद एक्शन ले लेता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अपने बयानात से हमेशा तनाजा खड़ा करने वाले वसीम रिजवी ने एक बार फिर से तनाजा पैदा कर दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ के 26 आयतों को कुरान शरीफ से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की है और वसीम रिजवी के इस बयान से आलम इस्लाम के मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और तमाम फिरकों के उलमाओं ने वसीम रिजवी के इस अमल की शदीद अल्फाजों में मजम्मत की। उलमाओं ने कहा है कि कुरान शरीफ एक आसमानी किताब है, इसमें एक हरफ हटाया जा सकता है ना एक हरफ जोड़ा जा सकता है। और आज राजेंद्र नगर हल्के असेंबली के सुलेमान नगर बल्दी डिवीजन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कॉर्पोरेटर एमए अजीज, साइलेंट सोशल वर्कर शेख मोहम्मद रफीक, मजलिस के सरगर्म कारकुन रिजवान आबेदी, ख्वाजा हाशिमुद्दीन, अकबर इरफान, सैयद रहीम गौस, हसन पटेल गौस और दीगर नौजवानों ने मिलकर वसीम रिजवी के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज किया और पुरअमन एक रैली भी निकाली और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ हैदराबाद। अव्वल ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये वसीम रिजवी मलून का जो बयान आया है कुरान में तब्दीली 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया है, ये मलून का कहना है कि ये 26 आयतों से दहशतगर्द पनप रहा है और जो सो मदरसों में दहशतगर्द का सबक दिया जा रहा है और हिंदुस्तान को ख़तरा पैदा होता है बोल के दायर किया है। उसी सिलसिले में सुलेमान नगर राजेंद्र नगर के पूरे नौजवान नों के साथ हम लोग आज जो है सो यहाँ पर उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए आए हैं। मैं वसीम रिजवी को यह बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको हिंदुस्तान की इतनी फ़िक्र थी तो जब पुलवामा में जो है सो जब हमारे 100 के जवान जब शहीद हुए तो आप जब जो है सो सुप्रीम कोर्ट जाकर PIL दाखिल नहीं किए और हिंदुस्तान में जो सो कई नॉर्थ साइड जो सो कई एरियों में कई स्टेटों में हमारी माँ बहन के साथ जो रेप और मर्डर्स हो रहे हैं, जो सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा
जो बीजेपी गवर्नमेंट लगा रही है। आज तक हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नहीं देखे, लेकिन जो सो ये लोग जो सो बेटियों को जो सो अश्लील और पोन के वाक़ियात इनके सोशल मीडिया के ज़रिए से पेश आ रहे हैं, इनके लीडर्स के तकरीबन जो सो सामने आ रहे हैं जो सो। और कई महीनों से जो सो फार्मर्स जो सो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, ना जो सो फार्मर्स के ताल्लुक से बात करता है। और जो सो हिंदुस्तान के अंदर जो सो 6-7 साल से जब से हुकूमत आई जो सो हिंदुस्तान को ख़तरा, हिंदुस्तान के पूरे अवाम को तबो ताराश करने की तरफ लेके जा रही है जो सो। कभी जो सो नोटबंदी के नाम पे, कभी GST के नाम पे, कभी लव जहाद के नाम पे, कभी गौरक्षक के नाम पे। और आपका डिमांड क्या है अजीत साहब इसके ऊपर, जो वसीम रिज़वी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करने का, आप लोगों का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड यही है कि ये किताब बरसा बरस पहले जो सो मुकम्मिल हमारी जो सो अल्लाह की किताब है, ये जो सो रसूलुल्लाह सल्लम पे नाजिल हुई, ये किताब को मुसलमान फॉलो करता है। और देश का संविधान जब बना हमको राइट देता है कि ये किताब को फॉलो करो, हर मज़हब के लोगों की किताब को फॉलो करने का, किसी के भी मज़हब के किताब के अंदर जो सो कोई भी जो सो ऐसा बोलने का किसी को अख्तियारत नहीं है जो सो। हम ये चाह रहे हैं कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो या फांसी की सज़ा हो जो सो, इसकी इंक्वायरी करे, या इन्हें पागल है या नहीं तो पागल है तो पागल खाने में भी जाए, अच्छा है तो जो सो इसको जो सो जेल में डाले जो सो। सब इससे पहले भी कुछ बयान वसीम रिज़वी के इससे पहले भी बयान आए थे, लेकिन एक सेंटर हुकूमत का एक जिम्मेदार आदमी है ना, होने के बावजूद भी ऐसे बयान देना कहाँ था सही है, मुल्क का मैसेज जाता है इसके लिए? नहीं नहीं, इन्हें तो एक मोहरा है जो सो, इन्हें क्या है सुर्खियों में बना रहने के इसकी कोई औकात नहीं है। इन्हें सुर्खियों में बने रहने के लिए कई आए दिन ऐसे ऐसे ही हमारे हुजूर की शान में या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में एक पिक्चर को ये करा था जो सो, अब जो सो कुरान के आयतों को लेके, तो इन्हें क्या है इनके आँखाओं को खुश करने के वास्ते ये RSS की लाभी और BJP की जो सो सोच है जो सो कि ये जो सो लोगों को जो सो हम लोगों को तंग करे जो सो और परेशान करे जो सो। अभी कंप्लेंट देने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और ये लोग ये क्या है ये अपने आप को शिया तबके से बोलता है, जबकि शियाओं के तकरीबन मुत्तफ़िकी तौर पे उलमा बयान दे चुके हैं कि ये हमारे शिया कम्युनिटी से भी नहीं होता, और ऐसा इंसान किसी कम्युनिटी का नहीं हो सकता। ये जो सो दहशत गर्द है जो सो, और इन्हें जो सो सब कम्युनिटियों में ठेस पहुँचाने के काम कर रहा, लोगों को तकलीफ़ देने के काम कर रहा जो सो। जी साहब, आप लोग भी आवाम को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आप लोगों ने कम्प्लेंट देने के आवाम को क्या मैसेज देना है? हम यही बोल रहे हैं कि पूरे हमारे लोग जो सो अपने पीस बरकरार रखे आपस में, कानून के दायरे में रह के हमको जो सो काम करना है, और अपने अपने एरिया पुलिस स्टेशन में हर आदमी आगे बढ़ के जो सो अपने अपने एहतजाज दर्ज कराए जो सो। अभी आप कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट? हम ये राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को आए, यहाँ पर अभी ACP साहब 10 मिनट में आने का वादा करे हैं, उनके हाथ को हम सारे लोग मिलकर FIR इशू करने के लिए एक दरख्वास्त दाखिल करेंगे जो सो। आज मोहम्मद आजीज रिजवान इसामुद्दीन पूरा लोग आके एक कंप्लेंट दिए वसीम रिज़वी के खिलाफ़ में, इन होली कुरान के लिए खिलाफ़ में वो व्हाट्सअप फेसबुक में वायरल कर रहा बोल के, इसके लिए अभी कंप्लेंट ले लिया। इसका वजह से हम लीगल ओपिनियन लेके, लीगल के हिसाब से क्या होता हमारा लीगल एडवाइज़र, तो ओपिनियन लेने के बाद एक्शन ले लेते। ईजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर, और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो, और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अलरा हेल्थ केयर सेंटर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए मुकम्मल इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ पैरालिसिस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, पाइल्स, किडनी में स्टोन, थायराइड कैंसर और भी कई बीमारियों का तजुर्बेकार डॉक्टर मोहम्मद इसाक अली के हाथों इलाज किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन क्विक रिलीफ, फास्ट रिकवरी एंड नो साइड इफेक्ट्स। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9618233221। हमारा पता कुबेरा टावर्स, नारायणगुड़ा, हैदराबाद। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में, घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत,
600 मेहमानों के लिए डिनर शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करेंगे।